क्योंकि अभी हिम्मत जुटा करके एनालिसिस कराया जा रहा है अदरवाइज अभी तो इसकी भी ताकत नहीं है एटीन जनवरी का आपका पेपर है आ, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं एनसीआर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एनसीआर को या बेसिक्स को या फिर जो आपका सिलेबस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मत छोड़िए जस्ट स्टिक टू योर प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस दैट्स इट उसके अलावा दो चार छह क्वेश्चन अलग भी आ रहे हैं आने दीजिए अगर बहुत ज्यादा समय आपके पास आपकी तैयारी बहुत ही अव्वल दर्जे की है तो फिर आप एक्स्ट्रा में जो मन करे पढ़ते रहें बट आपको देखने को मिलेगा आज के क्वेश्चन पेपर इजी रहा और ज्यादातर क्वेश्चन सिलेबस से रहे इवन इन ईवीएस एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं एक क्वेश्चन है कि नाइट विजन किन दिखता है ऐसे बहुत सारे सवाल है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग भेजते हैं तो मुझे उनको छांटने में भी टाइम लग जाता है तो स्टार्ट करेंगे समझेंगे और देखेंगे क्या कहानी आपकी है देखिएगा क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक हल्की सी नजर झलक डालते हैं किस चीज पे कि जेंडर और लिंग में तो ये भी क्वेश्चन आपने आगे बताया हुआ है आपके सामने कराऊंगी एनईपी e. पे क्वेश्चन एनसीएफ पे कोलबर्ग पे आज कोहलबर्ग से भी दो तरह के क्वेश्चन आए उनको भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों ने भेजे हुए हैं आज के इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से गार, गार्डनर की कीटभक्शी यानी नेपंथीज जो आपका प्लांट है मेघालय में पाया जाता है पिचर प्लांट जिसको हम कहते हैं जेंडर और सेक्स में डिफरेंस जैविक कौन सा है सामाजिक कौन सा है हमें पता है जेंडर क्या है सामाजिक है और आपका जो सेक्स है वो जैविक है यानी बायोलॉजिकल है

यानी ब्लैक एंड व्हाइट मतलब काला और सफेद दिखता है उन एनिमल्स को जो रात में जगते हैं तो नॉकटर्नल कौन से हैं भाई आउल जो है 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 ये आपके NCRT में दिया हुआ बैट जिसको हम कहते हैं वो भी है, रात को ही होती है घूमती फिरती है हेज हॉग ये भी एक जो एनिमल है वो भी रात को ही जगता है नॉकटर्नल है इसको वैसे भी कमी दिखाई देता है बट रात को जगने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको व्हाइट एंड ब्लैक में ही दिखाई देता है कुछ रंग दिन में जगने वालों को दिखाई दे जाते हैं जैसे कैट वगैरह इनको दिन में या का है तो कुछ हद तक रंग ये देख पाते हैं तो ए ऑप्शन यहाँ सही है आउल बैट और हेज क्वेश्चंस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ध्यान रखिएगा ठीक है ना चलिए अच्छा कल हम बात कर रहे थे चंपा ट्राइब की तो मैंने उसमें ऑप्शन नहीं देखा था माउंटेन का तो कोल्ड डेजर्ट पे क्लिक टिक कर दिया था तो उसमें आंसर जो है माउउंटेन्स है एनसीईआरटी में भी गिवन है तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक बाय चांस कभी फ्लो में होती है तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है उस समय पे क्योंकि एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य है, है कि जो भी नई चीजें आ रही हैं या जो भी आ रहा है वो हमें पता हो कॉन्सेप्ट आपको आपके पास जो नोट्स है उन्हीं से पढ़ना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं हम या फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपकी रबी क्रॉप की तो इनको पढ़ के चले जाना है पे आज कई लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो बताए हैं तो खरीफ क्रॉप्स बेसिकली आपकी अक्टूबर टू दिसंबर या एक बार इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा तो ये एक बेसिक बात हुई आगे बढ़ेंगे खरीफ और रबी ये पढ़ लीजिएगा एक बार जेंडर क्या है और सेक्स क्या है तो डैश इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट तो जेंडर इज यानी हिंदी में लिंग ही मिलेगा बट आपको इंग्लिश वाली साइड इसमें देख लेना है समाज ने बनाया जेंडर और सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है कि हमारे अंदर जैविक अंतर है महिलाओं और पुरुषों की बनावट अलग है या उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसको सेक्स कहते हैं और जो समाज ने कहा है कि ये कपड़े पहनेंगे ये काम ये करेगा वो जेंडर कहलाता है ठीक है इतनी सी बात कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी में लिखेंगे तो लिंग ही हो जाएगा दोनों में तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोर प्लांट इनसेक्टिवोर्स प्लांट कौन सा है तो इंसेक्टिवोरस है आपका पिचर प्लांट या नेपनथीज जो कीड़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी आवाज से तो सॉरी खुशबू से आवाज तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो गलत ऑप्शन में दिया होता है नेपनथीज मेघालय में पाया जाएगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्लीपिंग टाइमिंग ऑफ एनिमल्स इस पे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि क्वेश्चन आया है आज और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके सामने भी है अलग अलग तरह के कई क्वेश्चन इस पे बने हैं तो अगर हम बात करते हैं किसकी काओ की तो ये चार घंटे सोती है पाइथन बारह घंटे कैट दस घंटे जिराफ चार घंटे तो पूछा है यहाँ पे कौन सा सही है तो ये काओ वाला ही सही बनेगा मेरे अकॉर्डिंग दो घंटे के करीब है और ये हमने में पढ़ा है अगर आपने कि कौन कितने घंटे सोता है और ये इस पीडीएफ में भी मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आप देख के जा सके जिनका कल है आने वाले दिनों में ठीक है ना ये इस तरह से एनसीआरटी में दिया हुआ है जो एक शेडेड एरिया है उसका मतलब है टू आर है ना तो काव की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो काव जो है आपकी वो चार घंटे सो रही है क्योंकि दो और दो चार जो पाइथन है वो तो सो ही रहा है बस इन छह घंटे को अगर हटा दें तो वो अठारह घंटे सोएगा कहीं ना कहीं जराफ को अगर हम देख रहे हैं सिर्फ दो घंटे और कैट आपकी लगभग दस घंटे के आसपास दस से बारह घंटे सोती है ठीक इसमें एक और लिस्ट मैंने ऐड कर दी कि अराउंड कितनी देर कौन सा एनिमल्स होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है ना कुछ एक्स्ट्रा एनिमल्स हैं जिनका स्लीपिंग रूटीन या शेड्यूल जो है वो है वो इसमें इंक्लूडेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, ये क्वेश्चन पुराने जमाने में आया करता था आई मीन दो हजार के टाइम पे आया करता था और एक दो बार आया था ये क्वेश्चन कि हम इंडिया के लोग किसके सापेक्ष खड़े हुए हैं और ये हमने एनसीआर की समरी करते समय भी डिस्कस किया है ऑन द ग्लोब विच कंट्री फॉल्स ऑपोजिट टू इंडिया या अपसाइड डाउन इसको कह सकते हैं क्या कहेंगे अपसाइड डाउन क्या कहेंगे अपसाइड डाउन तो हम किसके साथ एक खड़े हैं तो अर्जेंटीना के लोगों के ठीक अर्जेंटीना अल्जीरिया नहीं अर्जेंटीना पहले इसका आंसर जब ये पहली बार आया था तो ऑफिशियल आंसर गलत आया करता था उस टाइम पे अलास्का दे दिया था उन्होंने अगर आप एनसीआर को फॉलो करेंगे तो अर्जेंटीना है सही उत्तर उसके बाद सही ही आया था एप पे क्लास जहां तक मंडे से चलेगी मैं तब तक ही रिकवर कर पाऊंगी प्रॉपर अभी उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपका डेढ़ घंटे की क्लास कई बार पौने दो तक वो ले पाऊं ठीक आगे बढ़ेंगे एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी प्रमोट क्लासिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ बाद में ज्यादा लगा देंगे क्लास उसकी टेंशन नहीं लेने के सिलेबस का क्या होगा और ये और वो आप अदर सब्जेक्ट इतना कवर कर लीजिए वो मेरी टेंशन है और दिमाग में भी जाएगा इसकी भी जिम्मेदारी है टी ट्वेंटी प्रमोट क्लासिकल स्ट्रेटीज ऑफ एजुकेशन डिटर्माइंड ओनली बाय हेरिडेटरी फैक्टर्स अब ये क्वेश्चन कैसे आपस में जुड़ा है इसकी लैंग्वेज ही अपने आप में इतनी अजीब दी है आई कलर हेरिडेटरी फैक्टर तो फिर आई कलर ही हुआ इसमें एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी कैसे जोड़ा है ये मुझे समझ नहीं आया तो हो सकता है इसको टाइप करने में कुछ गड़बड़ रही हो अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट हाँ कह सकते हैं तो ये सेंसरी डल पैसिव नहीं या तो ट्रबलसम होगा या फिर फास्ट होगा इमोशनल डेवलपमेंट दो ही ऑप्शन सही बन सकते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से मैंने ट्रबल पे चूज किया है अकॉर्डिंग टू लैब की लैंग्वेज क्या है तो लैंग्वेज क्रिटिकल टूल नहीं है कल्चरल टूल है ठीक है ना संस्कृति से मिलती है हमें जिस संस्कृति में हम होते हैं वहां की लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं ठीक है इतनी बात या कोई समस्या है क्लियर है बात आगे बढ़ेंगे हु मेड गोलकोंडा फोर्ट गोलकुंडा फोर्ट किसने बनवाया अब यहाँ पे ऑप्शंस आप एक बार देखेंगे उससे पहले ये काकातियाज इसको आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा आपके नोट्स में भी गिवन है फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के है ना गोलकुंडा के बारे में पढ़ लेना है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं तो इसलिए मैं इन दोनों में से किसी पे भी टिक नहीं टिक नहीं कर रही हूं ये तो है ही गलत इसकी संभावना है बट ये चारों ऑप्शन नहीं है अगर चारों ऑप्शन होंगे तो काकातियाज भी उसमें पाया जाएगा नहीं तो एक को हम टिक कर देंगे अगर ये ऑप्शन ना हो तो ठीक अब अगेन स्लीप पैटर्न पे दो क्वेश्चन हो गए एक अभी हमने किया था एक और क्वेश्चन है ये सोने को लेकर के पाइथन जो है वो 12 घंटे सोएगा करेक्टली मैच्ड कौन सा है कैट जो है 10 घंटे तो करेक्टली मैच्ड अगेन आपका काउ वाला ही यहाँ बन रहा है ठीक है ना आगे बढ़ेंगे

ठीक है ना चलिए समझते हैं क्या कहानी है और देखिएगा द चाइल्ड एक्वायर्स लैंग्वेज फ्रॉम हिज एनवायरमेंट बिल्कुल सही बात है फिर भी देख लेते हैं तमिल टीचर टीचर के द्वारा नहीं सीबीएसई स्कूल में लिया एडमिशन तो जरूरी नहीं है वहां पे तमिल ही सिखा रहे उसको या नॉर्मल भाषा में तमिल का ही प्रयोग किया जा रहा है ठीक है ना द चाइल्ड लर्न फ्रॉम अ लैंग्वेज बुक नहीं ठीक है ना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर एनवायरमेंट से सीख लिया है ऐसा एक क्वेश्चन कल भी आया था आगे बढ़ेंगे विच इज नॉट करेक्ट अबाउट टाइगर टाइगर के बारे में कौन सी बात गलत है टाइगर पर भी लगभग लग बहुत सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है तो टाइगर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है विस्कर्स बिल्कुल उसको नेविगेट करते हैं जो उसकी मूछे होती हैं और वो पत्तियों की खड़खड़ाहट और इन सब में भी अंतर पहचान लेता है टेरिटरी मार्क करते हैं चाहे वो टाइगर हो चाहे वो डॉग हो दोनों में सिमिलैरिटी यही है ये अपने यूरिन से अपनी टेरिटरी यानी अपना जो क्षेत्र है उसको आ, मार्क करके रखते हैं मूत्र से

तो इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है आपकी तो ये पैडी हुआ मिलट हुआ बाजरा जिसको हम कह रहे हैं मेज हुआ ये आपकी आ, खरीफ क्रॉप्स हैं और रबी क्रॉप्स और खरीफ इन दोनों को प्लीज पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आज देखने को मिले हैं और इसमें मैंने एग्जांपल में ऐड कर दिया है शायद आप यहाँ स्क्रीन पर ना देख पा रहे हो रिफ्लेक्शन के कारण बट पीडीएफ में देख लीजिएगा कि जो खरीफ क्रॉप है उनके एग्जाम्पल पैडी मेज ज्वार बाजरा ये सारे आगे बढ़ेंगे

प्रोक्सिमो डिस्टल ठीक है ना कि बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखेगा फिर गर्दन पे फिर बाकी के एस्पेक्ट पे ठीक है ना हेड टू टो जाएगा आगे बढ़ेंगे ओ गॉड चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वन बॉय सीज दैट हिज फादर टेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कैंड बॉटल्स ही आज हिज फादर इन ऑफ हैविंग रिवर अराउंड वाईवी ड्रिंक वॉटर फ्रॉम कैंड बॉटल वही हम एक डिब्बा बंद बॉटल से यानी एक सील पैक्ड बॉटल से पानी क्यों पी रहे हैं जब हमारे आस पास रिवर है पानी पीते हुए देख करके अपने फादर को एक बच्चे ने पूछा तो अब क्या उसको रीजन दिया जाए ये पूछा है तो यहां पे सिंपली लिखा है फादर टेल्स हिम रिवर वाटर इज पॉल्यूटेड एंड कैन वाटर देखो डायरेक्ट नहीं बताना होता ये कोई तरीका ही नहीं है बच्चों को कुछ सिखाने का कि सीधा सीधा कह दिया पॉल्यूटेड है उसको अनुभव के द्वारा पहुंचने देते हैं वहां तक ऑब्जर्व करके पहुंचने देते हैं फादर टेल्स दैट टू ग्लासेस विल फिल रिवर वाटर इन वन ग्लास एंड कैंड बॉटल वाटर इन सेकेंड ग्लास एंड ऑब्जर्व फॉर वन वीक ये बेटर है इन दोनों में में से अगर इससे भी बेहतर ऑप्शन सी और डी मिलेगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे क्योंकि हम बच्चे को डिस्कवरी करने देते हैं हैं उसको एक्टिव रखते मीनिंगफुल लर्निंग कराते हैं ना कि रटवाने को कह देते हैं ठीक है ना बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई समझते हैं हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर पुट अंडर इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं का जिक्र हुआ है 22 भाषाओं का ठीक है ना जिसमें इंग्लिश नहीं है इन बाइस में कल हम बात कर रहे थे ना ठीक है आगे बढ़ेंगे एट्थ <coughs> स्केड्यूल में बाइस भाषाओं का जिक्र हुआ है आठवीं अनुसूची में और आर्टिकल थ्री फोर थ्री तीन सौ तैतालीस एक में हिंदी राजभाषा और तीन सौ तैतालीस दो में अंग्रेजी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इज अ डैश स्ट्रक्चर वाइल सेक्स इज डैश तो हमें पता है जेंडर क्या है सोशल जीएस से याद रख लीजिएगा जेंडर क्या है सोशल और सेक्स uh, क्या है एस बी बायोलॉजिकल क्लियर है ये तो क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है लगातार डे वन से मुझे लग रहा है हर बैच में उस हर बैच बोल रहा हूँ हर एक आपके सेट में पेपर के क्वेश्चन पूछा जाता रहा है नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज द चाइल्ड डेवलप ऑपरेशनल लॉजिक बट इन रिवर्सिबिलिटी पे चर्चा हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल बेस्ड है पेपर अगर आप देखेंगे और ऑल द बेस्ट अजय कुमार जिनका भी कल एग्जाम है वो भी क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा आपके वजह से बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाती है तो अगर हम ऑपरेशनल लॉजिक तो आ जाता है बच्चे में यानी बेसिक लॉजिक डेवलप हो जाता है कि ऑपरेशंस कर सके एक्टिविटीज कर सके लेकिन इरिवर्सिबिलिटी अभी भी है इसका मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज है याद होगा आपको वो क्वेश्चन जब मैंने कहा था कि लॉजिक एमरजेस यानी उभरना तो शुरू हो जाएगा लॉजिक लेकिन इरिवर्सिबिलिटी रहती है थॉट में तो ये दो से सात वर्ष की अवस्था है इसको गलती से भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मत लगा दीजिएगा ठीक है ना दो से सात आगे बढ़ेंगे क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी है तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा बस दो चार क्वेश्चन और है देखिएगा अकॉर्डिंग टू एक सेकेंड हम्म ठीक है ये हम कर चुके हैं डिस्कस अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर डैश ऑफ ईवीएस हु अमोंग दी फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर यानी वेट लिफ्टर कौन है भार उत्तोलक तो कर्णम मलेश्वर इज दी राइट आंसर पाल की बात तो माउंटेनियरिंग वाले चैप्टर में हुई है 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं आंध्र प्रदेश से हैं और भी कई सारी बातें इनकी बहनों के बारे में इन्होंने बहुत कम उम्र में वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया था तो कर्नम मलेश्वरी पे क्वेश्चन है ये सब आप देख के ही पहचान जाएंगे आगे बढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ विच ऑफ दीज डिजास्टर्स द पीपल हैड ऑलरेडी कम टू नो थ्रू दी एनिमल याद कीजिए एनिमल्स के द्वारा एनिमल्स के बिहेवियर के द्वारा चाहे वो अलग सी आवाजें निकालें चाहे उनका व्यवहार चेंज हो जाए किस त्रासदी के बारे में पता लग गया था एडवांस में वहां रहने वाले लोगों को तो सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में और इंडियन ओशन की बात हो रही है टी सुनामी और 2004 की बात है याद कीजिए नोटबुक में नोटबुक बोल रही हूँ टेक्स्ट बुक में आपकी एनसीआरटी के गिवन है का कोई नहीं बता सकता ना तो एनिमल ना कोई और ठीक मतलब बट एनिमल के में हो भी सकता है लेकिन -क्वेक पे कोई चर्चा नहीं है गुजरात वाले वहां किसी को ऐसा नहीं कोई बता पाया था आज एग्जाम था अच्छा हुआ बहुत बढ़िया जी ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे जिनका ये एग्जाम एग्जाम हो गया उनको लग रहा है अच्छा हुआ है अगर आप तैयारी अभी भी करना चाहते हैं तो या तो पैडोगॉजी स्पेशल बैच ऑप्ट कर लीजिए करियर लैब पे जाके क्योंकि अचानक से कोई पेपर आएगा और आपकी एक दिन में तैयारी हो जाएगी ये तो मानना ही नहीं है या फिर Uh, वगैरह के बैच में भी आप पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो बाकी चीजें काम की नहीं रहेंगी एंड ऑल वो तो सोच के चलना ही नहीं है ठीक है इस बात से मुझे याद आया जिनके एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं ताकि अभी आप मोटिवेशन है आपके अंदर और पढ़ना आप शुरू कर देंगे तो ठीक रहेगा आगे के लिए हेल्प्स uh, अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी करें हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग मीनिंगफुल और प्रभावी अधिगम में जहां बच्चा एक्टिव होगा स्टैंडर्डाइज करिकुलम तो कोई अच्छा माना नहीं जाता डिफरेंशियटेड को मानते हैं एग्जामिनेशन सेंट्रिक अप्रोच एनेमी टाइम टेबल नहीं लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी जहां बच्चा सेंटर में है वो तरीका मीनिंगफुल होगा सिखाने के लिए इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में है अब ये मैथ्स के दो तीन क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा और भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं आगे ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी मैथ्स वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी आप स्वयं देखेंगे और ये असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है इसको इसके अलावा ये सिक्स डिजिट नंबर सब कर रहे हैं पांच डिजिट नंबर में से तो क्या निकल के आएगा और और एक मोटा मोटा एनालिसिस है जो मैं दो चार स्लाइड में आपको अभी बता देती हूँ सोने वाले प्रश्न में आपको करा चुकी हूँ सोना मतलब गोल्ड नहीं है स्लीपिंग की बात हो रही है जो मैं आजकल कर रही हूँ सिर्फ खाती हूँ दवाई लेती हूं, फिर से खाती हूं और सो जाती इतनी 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 इतना आराम छुट्टियां पूरे साल में नहीं मिली हैं जितनी मिल है जितनी बीमार होने पर मिल गई है खैर देखते हैं एक बार अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की गाय चार घंटे ये सब तो हम कर चुके हैं सोनामी की बात हो गई है विकास विद्यार्थी शिवपुर विक्रमगंज रोहतास बिहार अच्छा ये आप लोगों ने भेजा है स्वनिम से भाषा के बारे तो फोनीम आपका जो इंग्लिश पेडागोजी इन वन शॉट है वो पढ़ के जाइए फोनीम की बात मैंने की हुई है उसके अलावा हमने बात की हुई है आपकी मॉर्फीम की के स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है है ना सिंटेक्स सिमेंटिक्स ये सब पढ़ के जाइए विभक्ति से क्वेश्चन है ईवीएस में अहमदाबाद से केरल का कोई शहर के बीच की दूरी पूछा है मैप तो अच्छे से पढ़ के ही जाइए ईवीएस में एक क्वेश्चन मैप डिस्टेंस पे